अग्निवीर को लेकर युवाओं का उग्र प्रदर्शन जारी है। उसी बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मध्य प्रदेश के नेता शिवशंकर मौर्य ने अग्निपथ पर क्या कहा, सुनिए संवाददाता एमजी सर्वर की रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस में, जहां देश के हर कोने में युवा उग्र आंदोलन कर रहा है, प्रदेश जल रहा है, भारत वर्ष जल रहा है। आज उसी क्रम में आज कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के वो लोग कहाँ हैं जो हर बुलंद छोटे छोटे मुद्दे पे आवाज बुलंद करते हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कहाँ की बात करते हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कहाँ हैं जो महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, देश के सम्मान की बात करते हैं। आज प्रदेश जल रहा है, आज युवा जल रहा है, आज युवा मान्य मान्य तैयार है, आज युवा आर बात की लाई जल रहा है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी जनता के नजर नहीं आ रहा है। आज बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के उन नेताओं से जो विचारक हैं, जो देश की बारे में चिंता करते हैं, जो देश के बारे में हर समय सोचते हैं, जो देश की उन्नति के बारे में बात करते हैं, देश की भलाई के बारे में बात करते हैं, देश के विकास की बातें बात करते हैं। आइए बात करते हैं। नमस्कार सर, मौर्य जी आज देश जल रहा है, आज का दिन युवा उबल रहा है सर, देश कहीं ना कहीं आपकी ओर देख रहा है, आपने नाम देख रहा है, मौर्य जी जिम्मेदारी किसकी है सर? जिम्मेदारी केंद्र में बैठी सरकार की है। सरकार ने जो एक तंत्र बना है लोकसभा का, संसद तंत्र, उसका उपयोग नहीं करती, उसका उपयोग ना करना इसकी खामियों को भी छुपाता है, साथ ही साथ सरकार की जो एक कलेक्टिव जो एक भूमिका होती है उसको भी दर्शाता है। इस सरकार ने मनमाने तरीके से एक युवाओं के लिए मिलिट्री में 4 साल की जो योजना लाई है जिसको अग्निपथ के नाम से कह रहे हैं, उससे युवा हमारा आक्रोशित है। और युवा आक्रोशित क्यों ना हो, युवा को पिछले 8 सालों से रोजगार के लिए भटक रहा है, जब रोजगार की बेरोजगारी दर ऊपर है, उस समय से लेकर वो आंदोलित है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उस रोजगार के लिए हमेशा आंदोलित रही है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, हर जगह प्रयासरत रही है कि जो खाली पड़े स्थान इनको तुरंत भरा जाए। हमने तो 28-29 दो दिन की हड़ताल भी करी थी इसी बात को लेके कि रिक्त स्थानों की भर्ती पूरी की जाए और जो वैकेंट पोस्टें हैं उसमें नई भर्तियां निकाली जाए और हर व्यक्ति को काम दिया जाए, इस पर हमने कहा था। हमने ये भी देखा पिछले दो दिनों में जो युवा युवा जो सड़कों में है उसके अंदर क्या भावना है, वो अपना भविष्य सुरक्षित चाहता है। हम देखते हैं ये सरकार उजागर हो गई है। सरकार क्यों उजागर हो गई, इसने चंद घंटों में ही जैसे ही आंदोलन उग्र हुआ तुरंत पहला परिवर्तन किया कि साहब 21 से बढ़ाकर इसकी 23 साल उम्र कर दी जाए। फिर और 12 घंटे बीते, उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे CAPF, असम राइफल्स और प्राइवेट और सरकारी नौकरियों में जहाँ सुरक्षा गार्ड की जरूरत है वहाँ पर CRPF में 10% रिजर्वेशन दिया जाए। हम ये कहते हैं कि अभी जो खाली पड़े रिक्त पद हैं उनको तो पहले भरो, उसके बाद इसकी बात करो। कम्युनिस्ट पार्टी ये चाहती है कि इस मुद्दे पर भारत की संसद में चर्चा हो, संसद में चर्चा हो। हम ये जानना चाहते हैं कि वो BJP के सांसद इस पॉलिसी बनाने में कितने योग्य हैं और वो कांग्रेस के सांसद जो मजदूरों के साथ 1920 से अगर संघर्ष कर रही है तो उनके हितों के लिए कितनी अग्रसर है। हम पार्लियामेंट में भी चर्चा करना चाहते हैं, हम बाजार में भी चर्चा करना चाहते हैं, हम लोगों के बीच में भी जाएंगे, आंदोलन भी करेंगे, लेकिन हम इस पॉलिसी को तुरंत वापस लेने की मांग करते हैं कि तुरंत मोदी सरकार वापस ले। हम देख रहे हैं दो दिन से क्या हो रहा है, देश की संपत्ति को जलाया जा रहा है। जहां एक हमारे CM सुपर चीफ जस्टिस बने हुए थे, ना कोई सबूत ना गवाह, सीधा बुलडोजर, इस प्रकार से देश चलाया जा सकता है क्या? ये एक उन युवाओं के बहुत बड़ा कुठाराघात है। हम बहुत चिंतित हैं उन युवाओं से भी कि उनके रोजगार का भविष्य कैसा होगा, 4 साल बाद वो क्या करेगा, जब अभी रोजगार नहीं है, खाली पड़े रिक्त पदों पर रोजगार नहीं भरा जाता, तो वो अगर एडिशनल रोजगार के रूप में दिया जाए तो भी हम मानते हैं कि ठीक था, लेकिन उसमें भी नहीं है ये तो। और साथ ही साथ ये सरकार सरकारी तंत्र का जितना दुरुपयोग कर रही है, खासकर हमारे सेना के जवानों का, उन तीनों प्रमुखों का, सेना प्रमुखों का, और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट्स के जो आ रहे हैं अनर्गल बयानों से,
ये प्रभाव कम नहीं हो रहा है और बल्कि बढ़ता जा रहा है। इसलिए आज जरूरत है एक सही मार्गदर्शन की, वो कम्युनिस्ट पार्टी हो सकती है। कम्युनिस्ट पार्टी आज सक्षम है उन लोगों के लिए सही पॉलिसी देने में, सही उनको न्याय दिलाने में। कम्युनिस्ट पार्टी अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगी। कम्युनिस्ट पार्टी संसद में भी उठाएगी, सदन में भी उठाएगी, सड़कों में भी उठाएगी, इस मुद्दे को बराबर से लड़ती रहेगी और ये उठाएगी। और उनके आंदोलन को हम सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन इस उग्र आंदोलन से जो क्षति हो रही है इसके प्रति हम नहीं, हम इसके साथ में रहते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक तरीके से ही किसी को प्राप्त करना बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये सरकार नफरती माहौल से भरी हुई, देश में नफरत का माहौल, आक्रोश का माहौल, हिंदू मुस्लिम एकता को ब्रेक करने का माहौल इससे भरी हुई है। तो देश में अगर वो युवा जो कल तक मोदी मोदी नारे लगा रहा था, कल वो नारे मोदी हाय हाय के नारे भी लगाते हुए मैंने टीवी चैनलों पर सुना है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी अपनी जगह सही खड़ी है। कम्युनिस्ट पार्टी उन युवाओं के साथ है, उनके संघर्ष में अपना कंधे से कंधा लगाकर संघर्ष करती रहेगी। हमारी महिला विंग द्वारा अभी प्रेस स्टेटमेंट दिया गया, उसने इसमें इसका समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि अग्नि से तुरंत वापस ली जाए, कि मजदूरों के साथ 1920 से अगर संघर्ष कर रही है तो उनके हितों के लिए कितनी अग्रसर है। हम पार्लियामेंट में भी चर्चा करना चाहते हैं, हम बाजार में भी चर्चा करना चाहते हैं, हम लोगों के बीच में भी जाएंगे, आंदोलन भी करेंगे, लेकिन हम इस पॉलिसी को तुरंत वापस लेने की मांग करते हैं। ये तुरंत मोदी सरकार वापस ले। अब देख रहे हैं दो दिन से क्या हो रहा है, देश की संपत्ति को जलाया जा रहा है। जहां एक हमारे सीएम सुपर चीफ जस्टिस बने हुए थे, ना कोई सबूत ना गवाह, सीधा बुलडोजर, इस प्रकार से देश चलाया जा सकता है क्या? ये उन युवाओं के बहुत बड़ा कुठाराघात है। हम बहुत चिंतित हैं उन युवाओं से भी कि उनके रोजगार का भविष्य कैसा होगा, 4 साल बाद वो क्या करेगा, जब अभी रोजगार नहीं है, खाली पड़े रिक्त पदों पर रोजगार नहीं भरा जाता, तो वो अगर एडिशनल रोजगार के रूप में दिया जाए तो भी हम मानते हैं कि ठीक था, लेकिन उसमें भी नहीं है ये तो। और साथ ही साथ ये सरकार सरकारी तंत्र का जितना दुरुपयोग कर रही है, खासकर हमारे सेना के जवानों का, उन तीनों प्रमुखों का, सेना प्रमुखों का, और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट्स के जो आ रहे हैं अनर्गल बयानों से, ये प्रभाव कम नहीं हो रहा है और बल्कि बढ़ता जा रहा है। इसलिए आज जरूरत है एक सही मार्गदर्शन की, वो कम्युनिस्ट पार्टी हो सकती है। कम्युनिस्ट पार्टी आज सक्षम है उन लोगों के लिए सही पॉलिसी देने में, सही उनको न्याय दिलाने में। कम्युनिस्ट पार्टी अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगी। कम्युनिस्ट पार्टी संसद में भी उठाएगी, सदन में भी उठाएगी, सड़कों में भी उठाएगी, इस मुद्दे को बराबर से लड़ती रहेगी और ये उठाएगी। और उनके आंदोलन को हम सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन इस उग्र आंदोलन से जो क्षति हो रही है इसके प्रति हम नहीं, हम इसके साथ में रहते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक तरीके से ही किसी को प्राप्त करना बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये सरकार नफरती माहौल से भरी हुई, देश में नफरत का माहौल, आक्रोश का माहौल, हिंदू मुस्लिम एकता को ब्रेक करने का माहौल इससे भरी हुई है। तो देश में अगर वो युवा जो कल तक मोदी मोदी नारे लगा रहा था, कल वो नारे मोदी हाय हाय के नारे भी लगाते हुए मैंने टीवी चैनलों पर सुना है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी अपनी जगह सही खड़ी है। कम्युनिस्ट पार्टी उन युवाओं के साथ है, उनके संघर्ष में अपना कंधे से कंधा लगाकर संघर्ष करती रहेगी। हमारी महिला विंग द्वारा अभी प्रेस स्टेटमेंट दिया गया, उसने इसमें इसका समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि अग्नि से तुरंत वापस ली जाए।